नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कंपनीज, निधि, माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सारे लोगों को कौन सा कंप्लायंसेस करना जरूरी है और उसका इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी कोई कंपनी बनती है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाते ही 30 दिन के अंदर में पहला बोर्ड मीटिंग करना है। पहला बोर्ड मीटिंग करने का मतलब क्या हुआ, पहला बोर्ड मीटिंग करके उसको ऑनलाइन फाइलिंग करना पड़ेगा हम लोग को आरओसी में, राइट। दूसरा सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग क्या है, जो हम लोग पहले बोर्ड मीटिंग के बाद करते हैं, होल्डिंग ऑफ मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में, एक साल के अंदर में, कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है, इसमें 4 मीटिंग करना जरूरी है और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का जो डिफरेंस है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 महीने, लगभग 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट, 2 मीटिंग के बीच में। और स्मॉल कंपनी मतलब जो छोटी कंपनी है, साल भर में 2 मीटिंग होना जरूरी है और ईच हाफ मतलब जून तक में 1 मीटिंग हो जाना चाहिए, मतलब जनवरी से जून में 1 मीटिंग हो जाना चाहिए और जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में 1 मीटिंग हो जाना चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए। इसका मतलब 3 महीने का गैप जरूरी है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी बनी है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी कंपनी बनी है, वहां से 9 मंथ, इसका मतलब 31 मार्च के बाद में 9 महीना, इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 तक आप मीटिंग कर सकते हो, ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। लेकिन उसके बाद के जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। इसका मतलब 31 मार्च के बाद 6 महीना मतलब 30 सितंबर होता है। तो पहला मीटिंग के लिए आपको 9 महीने का टाइम मिलेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, और उसके बाद के जो मीटिंग होंगे उसमें आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने का, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट करना पड़ता है, ये अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, पहले बता दूं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ये बोर्ड मीटिंग में होगा विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा उसमें आप अपना पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए। और आपको फायदा कब है मालूम है, जब आप 5 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हो, 5 ईयर्स का मैक्सिमम अपॉइंटमेंट एक बार में आप कर सकते हो, तो 5 साल के लिए अपॉइंट करने से हर साल आपको ये ADT1 फाइल करने का या ऑडिटर फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 5 साल आप ADT1 फाइल करने से मुक्ति पा सकते हो। तो आपको अपॉइंटमेंट कब करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में। दूसरी चीज, फाइलिंग कैसे होगा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का, ADT1 फाइल करना पड़ेगा जो कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर्म है। और ये कितने दिन में करना पड़ेगा, जो आपका अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड मीटिंग में, ये जैसे बोर्ड मीटिंग में आपने अपॉइंटमेंट किया उसके 15 डेज के अंदर में आपको ADT1 फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लेट फीस लगने वाला। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब फॉर्म नंबर AOC4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं AOC4। तो ये कब फाइल करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हमने पहले ही बता दिया कि जो पहला साल, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 9 महीने बाद तक एनुअल जनरल मीटिंग हो सकता है। इसका मतलब जो पहला AOC4 है वो 31 दिसंबर के 30 डेज के अंदर में हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाले जो होंगे वो 30 सितंबर के 30 के बाद के 30 डेज में होंगे। इसका मतलब अगर मैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो AGM का जो लास्ट डेट रहेगा, नॉर्मल सब्सिक्वेंट AGM की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले नहीं, नॉर्मल, वो कब रहेगा, 30/9/2020 रहेगा। इसका मतलब वहां से 30 डेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 29/10/2020, इसका मतलब 29 अक्टूबर 2020 तक आप अपना AOC4 फाइल कर सकते हो, ये सब्सिक्वेंट वाला, राइट। नेक्स्ट, MGT7 है, ये क्या होता है, एनुअल रिटर्न। MGT7 मतलब क्या हुआ, एनुअल रिटर्न हुआ। एनुअल रिटर्न कब फाइल कर सकते हो, विद इन 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एक बार फिर से आते हैं, AOC4 जब भी आप फाइल करने का राइट रखते हो वो कब है, 30 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, और MGT7 क्या है, 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। तो ये 30 सितंबर को आप बेस मत मान लेना, अगर आपने AGM पहले कर लिया तो वहां से 30 डेज में AOC4 फाइल करना है, और जिस भी डेट को AGM किया है उसके 60 डेज में आपको MGT7, इसका मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, राइट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डायरेक्टर KYC जो है ना, DIR 3, पहले टाइम अगर KYC करोगे तो DIR 3 KYC करोगे, एंड फ्रॉम द सेकेंड टाइम इन सब्सिक्वेंट ईयर, फर्स्ट बार तो आपको DIR 3 KYC यूज करना है, उसके बाद से जितने भी बार होंगे आपको DIR 3 KYC वेब बेस्ड फॉर्म फॉर डीम KYC ये यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले बार में नॉर्मल DIR 3 KYC होगा और उसके बाद से क्या होगा, वेब बेस्ड
आपको फॉर्म यूज करना पड़ेगा DIR 3 KYC का। लेकिन ये करना कब तक है? 30 सितंबर तक करना पड़ेगा। नॉर्मली 30 अप्रैल तक आपको ये वाला KYC करने की जरूरत रहती है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 30 अप्रैल तक कर दो। लेकिन अभी ये डेट बढ़कर 30 सितंबर हो रखी है, इसीलिए 30 सितंबर तक अभी आप कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का डायरेक्टर का KYC। और जब आप समय सीमा के अंदर करते हो तो उस समय आपको 1 रुपए भी फीस नहीं देना पड़ता, और समय सीमा के अंदर नहीं करते हो तो 5,000 रुपए का पेनल्टी लगता है। अब इन केस ऑफ निधि कंपनी के केस में क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कंप्लायंसेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फॉर्म नंबर NDH-1। क्या होता है? फॉर्म नंबर NDH-1। ये कब फाइल करना पड़ता है? विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके 90 दिन के अंदर में करना पड़ेगा। आफ्टर दिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन निधि शेल फाइल ए रिटर्न ऑफ स्टैचुटरी कंप्लायंसेस इन फॉर्म NDH-1 अलॉन्ग विद सच फी एज प्रेस्क्राइब बाई द रजिस्ट्रार ड्यूली सर्टिफाइड बाई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एक बार फिर से, NDH-1 का फाइल करना पड़ेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कंपनी बनाई, वो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ उसमें 90 डेज ऐड कर लीजिए, उसके अंदर में आपको स्टैचुटरी कंप्लायंस NDH-1 पहली बार फाइल करना पड़ेगा। फॉर्मेशन करने के बाद एक ही बार फाइल करोगे NDH-1, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज के 90 डेज के अंदर में आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, और जो भी फीस होती होगी फाइलिंग की हमारी ROC में वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया NDH-1। उसके बाद NDH-2 है, सीकिंग टाइम एक्सटेंशन। कभी भी अगर आप NDH-1 फाइल नहीं कर पाते हो समय पर, और समय पर फाइल नहीं कर पाने का कारण हो सकता है तो जब आपने 200 मेंबर नहीं बनाए, जब आपने कैपिटल 10 लाख रुपए नहीं किया, ऐसे जो जो रूल निधि के हैं वो आपने फाइल नहीं किए, वो आपने कंप्लाई नहीं किए, तो आप समय पर फाइल नहीं कर सकते हो, और फाइल नहीं करोगे तो आपको टाइम एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं मुझे थोड़ा और समय चाहिए, तो आप 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो रिक्वेस्ट करके। ये रीजनल डायरेक्टर को NDH-2 फाइल करेंगे कि भाई मुझे और थोड़ा समय चाहिए, तो वो समय दे सकते हैं मिनिमम 30 दिन का, और 1 साल तक का भी एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, 30 दिन से लेके 1 साल तक का आपको समय दे सकते हैं। और जब आपका NDH-2 अप्रूव होगा तब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ताकि आप NDH-1 को भर पाओ। NDH-2 का समय क्यों मांग रहे हो आप? क्योंकि आप NDH-1 नहीं भर पाए हो, तो NDH-1 भर पाने में आपको समय मिले उसके कारण आप NDH-2 भर रहे हो, राइट। ये हो गया NDH-1, ये फर्स्ट टाइम की बात, और NDH-2 भी फर्स्ट टाइम की बात, क्योंकि 2 करने के बाद NDH-1 आप भर ही लोगे। अब NDH-3 की बात करते हैं, फॉर्म नंबर NDH-3 जो कि हाफ ईयरली रिटर्न, ये हमेशा भरते रहना पड़ेगा, और ये 30 सितंबर के बाद 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा, और 31 मार्च के बाद भी 30 डेज के अंदर में करना पड़ता है, हाफ ईयरली रिटर्न होता है, राइट। उसके बाद है NDH-4, फॉर्म नंबर NDH-4 जो फाइलिंग करते हैं जिसमें डिक्लेरेशन एज निधि कंपनी। ये रूल के अनुसार आप निधि कंपनी हो इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए NDH-4 फॉर्म भरना पड़ता है। NDH-4 फॉर्म भरने का ड्यू डेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फॉर एवरी न्यू कंपनी, जो नई निधि कंपनी है, ड्यू डेट फॉर फॉर्म फाइलिंग NDH-4 कब तक कर सकता है वो, ये इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2019, ये चीज जानना जरूरी है कि ऐसी नई निधि कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2019 या उसके बाद हुआ होगा तो कब कर सकता है? Within 60 days। कब? Within 60 days आफ्टर एक्सपायर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब जिस डेट को इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से 1 साल प्लस 60 डेज, वहां से 1 साल प्लस 60 डेज। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर को हुआ, 1 सितंबर 2019 को हुआ, तो वहां से 1 साल कब होगा? 31 अगस्त 2020 होगा, उसमें 60 डेज और ऐड करेंगे तो वो हमारा ड्यू डेट होगा NDH-4 फाइल करने का। कब? जब वो इनकॉर्पोरेट हुआ होगा आफ्टर 1 जुलाई 2019। लेकिन अगर कोई 1 जुलाई 2019 से पहले इनकॉर्पोरेट हुआ होगा तब क्या करना पड़ेगा? तब कितने टाइम के अंदर फाइल करेंगे? Within a period of 1 year from the date of incorporation। इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला आप कैलकुलेट कर लो जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से 1 साल का, या फिर और within period of 6 months from the date of commencement of निधि rules 2019। निधि rules 2019 जब से आया है वहां से 6 महीना जोड़ दो वो वाला डेट, या फिर जब फॉर्मेशन हुआ वहां से 1 साल ले लो। तो इन दोनों में जो भी डेट बाद में आएगा वो डेट आपका ड्यू डेट है NDH-4 फाइल करने का। ये कौन से केस में है? जब ये इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 जुलाई 2019। अगर आपको डाउट हो रहा है तो थोड़ा फिर से रिवर्स करके सुन लीजिएगा, ठीक।
नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म एनडीएच 4 बाय कंपनीज डिक्लेयर्ड एज निधि अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब जैसे जो पहले वाले कंपनी लॉ थे उसके किसी कंपनियों को अगर डिक्लेयर किया एज ए निधि रजिस्टर नहीं किए होंगे लेकिन उसको डिक्लेरेशन दिया कि वो एनडीएच 4 उनको फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उनको निधि माना जा रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, निधि अमेंडमेंट रूल 2019 जब से चालू हुआ उस डेट से 6 महीना तक का ही डेट आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो ये रहा हमारे पूरे रूल्स जो कि सारे कंपनीज को मानने पड़ेंगे, जिसमें निधि के रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको विशेष चीज बता दूं कि आज ये जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, इस साल के कंप्लायंसेस या उससे पहले के किसी भी साल के किसी भी कंपनी के कंप्लायंसेस जितने मैंने बताए, चाहे वो निधि हो, साहूकारी हो, माइक्रो फाइनेंस हो, एनबीएफसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, उनका कोई भी कंप्लायंसेस अगर अभी तक पेंडिंग है तो बिना कोई लेट फीस या पेनल्टी चार्ज किए वो 30 सितंबर 2020 तक फाइलिंग कर सकते हैं। ये जो ड्यू डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी दिए, इसकी तो पूरी प्रिंट निकाल कर या इसको लिख कर रख लो, आपकी कंपनी में 1 रुपए भी पेनल्टी और ब्याज नहीं आएगा। और इससे पहले वाले सालों के भी जितने भी पेंडिंग फाइलिंग है 30 सितंबर 2020 तक जरूर कंप्लीट कर लीजिए, आपके बहुत सारे दुख दूर हो जाने वाले हैं। मेरे कम से कम 5-10 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको समय पर हमने रिटर्न फाइल करने और आरओसी कंप्लायंसेस करने बोला, उन लोगों ने किया नहीं, लाखों रुपए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में एज ए लेट फीस पेनल्टी पटाया और बहुत रोए हैं मन से, सच बताऊं तो। आप लोगों के लिए कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी गलती के कारण कभी ब्याज और पेनल्टी मत चुकाना, नहीं तो फिर मेरा रहने का फायदा क्या होगा, राइट। तो बने रहेगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त और शुभ।